पंजाब के फरीदकोट में साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में श्रोमणी अकाली दल व पंजाब सरकार की ओर से हर शहर व ग्राम में पश्चाताप श्री अखंड पाठ साहब करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने अपने गांव मलूका में साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के श्री अखंड पाठ को भोग डलवाया और समूह संगत व सिख संगत को गुरु ग्रंथ साहब की हुई बेअदबी का दुख जताया और पंजाब में अमन शांति बनाए रखने की अपील की और साथ ही कहा कि इस निंदनीय घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखो, पंजाब दे विच पिछले दिनों दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बेअदबी की गई है माड़े अंसरां ने, उसकी जिनी भी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। सरकार का फैसला कि उन्होंने दोषियों कुछ फड़ ले गए ने, जो कोई रेंदे है तो फड़ ले जाएंगे। उन्होंने जिन्या वध तो वध सजावं दे सकते हुए साड़ी कोशिश होगी कि उन्होंने वध तो वध सख्त सजावं दित्तियां जाण। भावें कुछ लोग हले भी चाहते हैं कि पंजाब दे विच पुराने जिहड़े 1984 वाले हालात पैदा किए जाण, जिहड़े कि नहीं करन दित्ते जाणगे। सो गुरु सारिआं वास्ते सत्कारयोग है, इन्ना जिन्ना सानूं गुरु प्यारा होर कोई चीज़ दुनिया दे विच प्यारी नहीं हैगी है। सो इस करके गुरु की बेअदबी तो कदे भी बर्दाश्त की ही नहीं जा सकती, जिन्ना मर्जी होवे ये तो कदे सोचा भी नहीं जा सकता गुरु की बेअदबी जिते हो। सो गुरु के बेअदबी करने वाले लोग माड़े ने, पापी ने, पर उसकी आड़ दे विच कुछ माड़ा अंसर जिहड़ा पंजाब दे विच बदम नहीं फैलाउणा चाहुंदा है, गड़बड़ करना चाहुंदा है, पंजाब का जिहड़ा अमन शांति भंग करना चाहुंदा है, वह किसी कीमत पर होण नहीं देंगे। ये सरकार की ड्यूटी है कि ठीक है प्रोटेस्ट करने जायज़ हुंदे ने, धरने मुजाहरे करने। बठिंडा से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए कुणाल बांसल की रिपोर्ट।